वज़ीर-ए-आज़म सरकारी दौरे पर आज मुत्तहिद अरब अमारात जाएंगे। शहबाज शरीफ का अपने इंतखाब के बाद यूएई का पहला दौरा होगा। कमीना के हम वज़रा पर मुश्तमिल आला सतह वफ़ी वज़ीर-ए-आज़म के हमराह होगा। वज़ीर-ए-आज़म अमारात के सदर और अबू धाबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात करेंगे। तजारत और सरमायाकारी पर खसूसी तबादला ख्याल किया जाएगा। कर्गिस्तान से पाकिस्तानी तुलबा को लेकर पीआईए की खसूसी परवाज़ कराची पहुंच गई। कराची के लिए पहली परवाज PK6260 के जरिए 170 से ज्यादा तुलबा बिश्केक से वतन वापस पहुंचे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची एयरपोर्ट पर तालबे इल्मों का इस्तकबाल किया। बिजली की बुनियादी कीमत में 5 रुपये फी यूनिट इजाफे का इम्कान। नेप्रा आज दरख्वास्त पर समाअत करेगा। CPPA ने पावर परचेज प्राइस के तायुन की दरख्वास्त कर दी। कीमत 25 रुपये 3 पैसे से 27 रुपये 11 पैसे फी यूनिट का तखमीना। बिजली महंगी होने पर 3.5 पर 310 रुपये अरब रुपये से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। खबरदार, गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेशगोई। दर्जे हरारत 6 से 8 डिग्री बढ़ने का इम्कान। आज भी शदीद गर्मी की लहर जारी रहेगी। मौजूदौड़ो जैकबाबाद दादू में पारा 49 डिग्री रहा। सिब्बी लाड़काना नवाबशाह खैरपुर और सखर में 48 डिग्री। मिट्टी बहावलनगर भकर कोट अद्दू रहीमियर खान में दर्जे हरारत 47 डिग्री रिकॉर्ड। रवा हफ्ते बेशतर इलाके शदीद गर्मी के लपेट में रहेंगे। हरमैन शरीफैन इंतजामिया ने गलाफ काबा को जमीन से 3 मीटर ऊंचा कर दिया। मकसद हज के आयाम में गलाफ काबा को किसी भी किस्म के नुकसान से महफूज रखना है। गलाफ काबा 15 ज़िलहज तक जमीन से 3 मीटर ऊपर रहेगा। माजी में आजमीन गलाफ काबा को छूने के साथ उसके टुकड़े तबर्रुक के तौर पर काट कर साथ ले जाते थे, जिससे गलाफ को नुकसान पहुँचता था। कराची की वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में तुलबा तंजीमों पर पाबंदी आए। तुलबा तंजीमें कोई भी तदरीसी और गैर तदरीसी सरगर्मी जामे की हदूद में सर अंजाम नहीं दे सकती। हुक्म पर अमल ना करने वाले तुलबा का दाखिला फौरी तौर पर मंसूख कर दिया जाएगा। रजिस्ट्रार जामे उर्दू का एलामिया जारी। कराची में दौरान सर्च ऑपरेशन पुलिस की फायरिंग से 1 शहरी जख्मी। शहर में मुबैना पुलिस मुकाबलों में 1 डाकू हलाक।